नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना मामलों के चलते एक बार फिर से मास्क पहनना जरूरी हो गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर कमिश्नर्स को लेटर लिखा है और कहा है कि ट्रेन, बस, सिनेमाघरों, कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया जाए। इसी के साथ एक बार फिर से महाराष्ट्र में मास्क पहनना हुआ जरूरी। बता दें कि इससे पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को खत लिखा है। इन राज्यों में तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र शामिल है, जहाँ कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। मंत्रालय ने इन राज्यों को कोरोना के संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए सख्त निगरानी बनाए रखने और पहले जैसी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना की बात करें तो 3,945 यानी लगभग 4,000 मामले सामने आ चुके हैं। ये बीते दो दिन से 4,000 के करीब बने हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को 4,041 केस सामने आए थे, वहीं 3 महीने में ये सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले 11 मार्च को लगभग 4,194 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शुक्रवार को 2,672 मरीज ठीक हुए, जबकि 26 पॉजिटिव पेशेंट्स की मौत हो चुकी है। अब 2,162 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक लगभग 4,32,00,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 4,26,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। 5,24,00,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसी खबर पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभिषेक। अभिषेक, बताएं कि क्या है आपके पास कोविड से जुड़ी ताजा अपडेट। लगातार कोरोना के मामले महाराष्ट्र खास करके मुंबई में बढ़ते नजर आ रहे हैं पिछले 3 दिनों से। वहीं केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार को लेटर करके चेताया है कि आपके 6 जिलों में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। उस लेटर के बाद महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट ने तमाम 36 जिलों के अधिकारियों को ये लेटर लिखकर सूचित किया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, मास्क पब्लिक प्लेसेस में पहनना अनिवार्य किया जाए, साथ ही साथ टेस्टिंग को इंक्रीज किया जाए और वैक्सीनेशन, जो बूस्टर डोज जो सीनियर सिटीजन और कोमॉर्बिड के लिए है, उसे जरूर दिया जाए और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन 12 से 18 वर्ष के युवकों के लिए है, उन्हें भी रैंप अप किया जाए। ये सीधे सीधे निर्देश दिए गए हैं इस लेटर के जरिए। और जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, अस्पताल को तैयार किया जाए और साथ ही साथ क्रिटिकल पेशेंट को भी ऑब्जर्व किया जाए। और 2 नए वेरियंट, सब वेरियंट जिन्हें कहा जाता है, ओमिक्रॉन के मिले हैं, उसके चलते क्या ये केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए और सैंपल्स उसके लिए कलेक्ट किए जाए, ये साफ तौर पर इस लेटर में कहा गया है। और आने वाले 15 दिन की चेतावनी महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग में दे दी थी कि आने वाले 15 दिनों में केसेस बढ़ सकते हैं और महाराष्ट्र पर संकट आ सकता है। इसके चलते इस लेटर का सभी जिलों में जाना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और लोगों को भी ये समझना होगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और मास्क पहने, यही एक हथियार है आपको कोरोना से बचने के लिए।